द इन्फोजोन के मुअज्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस में एक नया मोड़ आ चुका है। दोस्तों, आर्यन खान के लिए इंडिया के सबसे बेहतरीन वकील का इंतखाब किया गया है। शाहरुख खान ज़ाहरी तौर पर तो इस केस में सामने नहीं आ रहे, लेकिन वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अपने बेटे को। ज़ाहरी बात है कि एक बाप बेटे के बिना कैसे रह सकता है। दोस्तों, शाहरुख खान ने इंडिया के सबसे बेहतरीन वकील का इंतखाब किया है अपने बेटे के लिए, जो कि आपको याद हो तो सुशांत सिंह राजपूत के केस को हैंडल कर रहे हैं। दोस्तों, अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े वकील होंगे। लेकिन उनके केस लड़ने के बावजूद भी आर्यन खान की ज़मानत ना हुई, जो कि बहुत तशवीशनाक बात है। शाहरुख खान इस बात को लेके का खासे परेशान हैं। वकील का कहना है कि इस केस को जल्द निपटाना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि ये केस एनसीबी के हवाले हो चुका है। और दूसरी तरफ आर्यन खान की ज़मानत जज ने कैंसिल करके उन्हें दोबारा एनसीबी ऑफिस की कस्टडी में भेज दिया है। दोस्तों, शाहरुख खान के करोड़ों फैन, दोस्त और सेलिब्रिटीज़ उनके साथ खड़े हैं और हर मुश्किल में उनका साथ निभाना चाहते हैं। और सलमान खान ख़ास तौर पर शाहरुख खान से मुलाकात कर चुके हैं। दोस्तों, पिछले दिनों शाहरुख खान के बंगले के बाहर फैंस पर लाठी भी चार्ज की गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा हजूम में वहाँ फैंस जमा हो गए थे। दोस्तों, हम आपको इस केस से वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहेंगे। उम्मीद है कि हमारी आज की न्यूज़ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको नई और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।